राम राम जी सर, ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आप पीजी एडमिशंस के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट है भाई जिनको ये डाउट है कि अब आगे क्या करना है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ गई है, आपको पता लग गया है कि आपके कितने नंबर हैं, आपको ये भी पता लग गया है कि आपका कौन सा रैंक है, ठीक है, रैंक वाइज की बात, टॉप के कितने हैं, आपसे ऊपर कितने बच्चों के, ये चीज़ का पता लग गया है। लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि आगे आपको करना क्या है। प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है, इसके बारे में आज पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बता दूं कि आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है। अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है, किसी के आंसर की में दिक्कत है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी में जाके बात कर सकते हो। अब आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट आएगी 5 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी आपकी वेबसाइट पे, ऑनलाइन आपको लिस्ट मिल जाएगी टोटली बच्चों की, ठीक है। उसमें से जो टॉप कट ऑफ वाले बच्चे उनकी लिस्ट आपकी 5 तारीख को आ जाएगी। उसके बाद आपको 6 तारीख को फिजिकली जाना, उसमें आपको लिख करके फिजिकली काउंसलिंग, आप MD का प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे ना उसमें लिख करके, आपकी जो फिजिकली काउंसलिंग है वो आपकी होगी 6 तारीख को MD यूनिवर्सिटी में होगी आपके डिपार्टमेंट में। आपको MA पॉलिटिकल साइंस में लेना तो पॉलिटिकल साइंस में जाना डिपार्टमेंट में, आपको LLB में लेना LLB डिपार्टमेंट में जाना, सभी के डिपार्टमेंट्स में आपको जाना है जिस भी आप में एडमिशन लेना, ठीक है। और आपको 6 तारीख को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, 6 तारीख को ही आपका एडमिशन के लिए सारी चीजें करवाई जाएंगी, आपकी फीस भी 6 को ही कट जाएगी। किसी के पास फीस नहीं है उस टाइम पे तो आप 7 तारीख तक फीस भर सकते हो, 7 तारीख तक का टाइम मिलेगा आपको। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने इसके बारे में बात करें तो आपके जो मेनली डॉक्यूमेंट्स हैं MDU से ही हो आप, अगर आपने UG MDU से की है तो आपको सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा, उसके साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड की कॉपी, रेजिडेंस की कॉपी, आपकी जितनी भी DMC आई है पहले सभी की कॉपी, जिसकी DMC नहीं है उसका रिजल्ट आपको लेके जाना साथ में। बाकी आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रोस्पेक्टस में दिखाए गए हैं, मेनली तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपकी जो फीस है वो आपकी MA वालों की लगभग है कि आपकी 3000 के अराउंड रहने वाली है। उसके बाद अलग अलग फीस दिखाई गई है, आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस MD की वेबसाइट पे दे रखा है। मेनली बच्चों का यही डाउट था कि आपको अब ओवरऑल मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करना, तो मैंने वीडियो में बता दिया ऐसे ऐसे करना स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा आपका और कोई अगर डाउट रहता तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर देंगे, थोड़ा सा लेट सेट हो जाए पर आपका टाइम से पहले रिप्लाई दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बताना था, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर। और भाई आगे ये और बता दूं एक बार कि फेस कैम वीडियो बनाई या पहले बनाते थे कि आपका नोटिस लगा दिया और वीडियो बना दे वैसे, ठीक है, जो आपको अच्छी लगी उसी टाइप से वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।